हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किशोर सा। आज हम बात कर रहे हैं ऑनियन को लेके। ऑनियन का बेनिफिट क्या है, उसका कुकिंग का मेथड कैसा है, वो हम लोग बात करेंगे। जब मैं छोटा था और बीमार था तो मेरी नानी ने एक ऑनियन को काट के दोनों बाजू में रख दिया था। उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया। फिर लेटर स्टेज में जब मैं बड़ा हुआ, उसके ऊपर स्टडीज किया, तो मुझे पता चला ऑनियन जो है वो फ्लू खींच लेता है। घर के अंदर जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है वो खींच लेता है। तो याद रखना, जब आप ऑनियन काटते हो तो उसको ज्यादा देर तक मत रखना, उसको पका देना। ज्यादा देर तक रखोगे तो उसमें पॉसिबल है कि बहुत सारे बैक्टीरिया खींच लेगा, उसको फेंक देना बेटर होगा। दूसरी बात है, ऑनियन के अंदर क्यूरसेटाइन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बॉडी में जो स्मोक्स करते हैं या पॉल्यूशन में रहते हैं या स्मोकी एरिया में रहते हैं, उन लोग के लिए एक ऑनियन खाना बहुत जरूरी है। ताकि क्या होता है, जल्दी सेल नहीं मरता है। उसके अलावा भी इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत सारा बेनिफिट है जो एक कॉस्टली फ्रूट और वेजिटेबल होता है, जैसा ब्रोकोली हो गया, एप्पल हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ये सब चीज में वो होता है जो ऑनियन में होता है। ये बेनिफिट उस ऑनियन में भी मिलता है आपको। तीसरी बात है कि जब हम ऑनियन खाना बनाते हैं, ऑनियन काट के जब हम कढ़ाई में डालते हैं, तो उसको पकने को टाइम लगता है। तो टाइम लेने से क्या होता है, बहुत जल्द का पेशेंस खत्म हो जाता है। तो क्या करता है कि कुछ और इंग्रेडिएंट डाल देता है जल्दी जल्दी पकाने के, क्योंकि टाइम लगता है और वो शायद खाना खराब हो जाता है। तो खाने खराब भी नहीं आएगा तो उसमें टेस्ट में 19-20 हो जाता है। तो जब भी आप ऑनियन पकाओगे तो पिंच ऑफ सॉल्ट दे देना। सॉल्ट क्या करता है, ऑनियन का पानी निकाल के फास्ट कुक कर लेता है, ताकि आपका खाना वो प्रॉपरली पके और टेस्टी। दूसरी बात क्या है कि जब आप ऑनियन ग्रेवी बनाते हो, तो ऑनियन ग्रेवी बनाने के टाइम पे आप उसको फ्राइड करके मत बनाइए, ऑनियन को बॉइल करके ग्रेवी बनाइए। बॉइल करके बनाने से क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े होटल से लोग बॉइल करके ही ग्रेवी बनाते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, उसका फ्लेवर आता है, और दूसरा आता है कि उसके जो मेडिकल प्रॉपर्टीज है वो नहीं मरता है। थैंक यू वेरी मच।